बस एक प्रॉब्लम थी, साला खेलने कूदने की उम्र में आशीर्वाद देना पड़ रहा था हमको। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई व्हाट अ कॉन्सेप्ट, द ग्रेट इंडियन फैमिली का ट्रेलर आ चुका है और मुझे ट्रेलर बहुत शानदार लगा, शानदार लगा, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रांग सोशल मैसेज मिलने वाला है इस मूवी में। मतलब फ़नी तो ये मूवी हो गई, ड्रामेटिक वे में बहुत ही मज़ा आने वाला है, फ़नी मूवी होगी, फैमिली ड्रामा से एंटरटेनमेंट से भरी फुल मूवी है ना। मैं कह रहा हूँ ना, बॉलीवुड की अब आँखें खुल चुकी हैं, इतने प्यारे प्यारे कॉन्टेंट लेकर आ रहा है। मतलब पंडित के घर में मुसलमान का बच्चा और उसकी परवरिश हुई एज ब्राह्मण पंडित, वो भी प्योर पंडित। थोड़ा सा मोरल वैल्यू के बारे में बात करेंगे यहाँ से ना। एक सोशल मैसेज बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है कि जो हिंदू मुसलमान वाला जो सिनेरियो चल रहा है ना इस टाइम पे, खून खाए पड़े हैं हिंदू मुसलमान से, मुसलमान हिंदू से, जो ऐसी ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी चल रही है एकदम खून खराबे वाली, तो यहाँ से एक चीज़ में ये जोर दिया जाएगा कि भाई साहब इंसानों को ना ऊपर से तय करके नहीं भेजा गया है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, यहाँ आप लोग तय करते हैं कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। एक बच्चा क्या कहते हैं, जब आया उसे पता ही नहीं था कि वो मुसलमान है या हिंदू है, वो ब्राह्मण पंडित के घर पे आया और उसकी परवरिश एक हिंदू जैसे हुई, एक ब्राह्मण पंडित की तरह हुई, तो उसे क्या मालूम कि वो किसका बच्चा है या वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये जिस माहौल पे उसे जन्म मिला, जिस माहौल पे उसे परवरिश मिली, वो उस माहौल का बन के रह गया, उस माहौल के हिसाब से ढलते रह गया। ये चीज़ यहाँ से निकलने वाली है और सॉलिड निकलने वाली है। ट्रेलर एक लाइन में मैं कहूँगा तो ऑसम है, बाय गॉड। मैं ये मसाला मासी एक्शन मूवी देख अब थोड़ा बोर फील भी करने लग गया था, क्योंकि शुरू में पठान आई, फिर भोला आई, फिर जवान आई, फिर और भी एक आध मूवी आई साउथ से भी वगैरह वगैरह, तो अब थोड़ा ना ड्रामेटिक वे में थोड़ा सा फनी मूवी देखने को मन कर रहा था एक फैमिली एंटरटेनमेंट के हिसाब से। तो यहाँ ज़बरदस्त कंटेंट देखने को मिल रहा है, कंटेंट सुपर अमेजिंग है, राइटिंग मुझे लग रहा है बड़ी प्यारी होने वाली है और विक्की कौशल अलग ही आग फाड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा वर्सिटाइल एक्टर है बाय गॉड। एक्शन मूवी में तो इसने अपनी छाप छोड़ी, जब हमने उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक में देखा, उसके बाद जरा हटके जरा बचके में भी सॉलिड काम किया, उसके बाद गोविंदा नाम मेरा में हमने देख ही लिया कि ये फनी में भी ये बंदा जम जाएगा। तो वहाँ से मुझे लग रहा है कि अब ये जो द ग्रेट इंडियन फैमिली है, क्योंकि ट्रेलर में तो ये ज़बरदस्त लग ही रहा है, आपको हंसी ठिठोले छूट ही गए होंगे, मेरे तो छूट गए बाय गॉड। ट्रेलर ज़्यादा बड़ा नहीं था, 1 मिनट 57 सेकेंड का था और मज़ा आ गया, ट्रेलर में ही मैं हंसते हंसते पागल हो गया थोड़ी देर के लिए। तो ये एक्साइटमेंट बड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है कि कॉमेडी ड्रामा पर, फैमिली ड्रामा पर मूवी आ रही है, वो भी अपने विक्की कौशल की है, भाई लाजवाब। ये वर्सेटाइल एक्टर इसमें भी आग लगा देगा, फाड़ के रख देगा। हाँ, मूवी ज़्यादा कमाई नहीं कर पाएगी क्योंकि ऐसी मूवी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती है, लेकिन ये अपना जो बजट है वो निकाल के एक सुपर हिट की लिस्ट में आ ही जाएगा। ट्रेलर की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है क्या कहते हैं, विक्की कौशल एक सिंपल एक पंडित फैमिली से है, जगह जगह जागरण जगराता वगैरह करता है, गाना वाना गाता है, धार्मिक वैल्यू है विक्की भैया की पूरे क्या कहते हैं समाज में। तो अब यहाँ पर ट्विस्ट ये आ रहा है कि हार्मोन लोचा जो चल रहा है विक्की भैया के साथ, क्योंकि जवान तो है, उन्हें एक संगिनी तो चाहिए ही चाहिए, तो उसका भी छुटकारा पाना है अपने हार्मोन लोचा का। तो एक मोमेंट वहाँ बड़ा प्यारा लगता है जब नौजवान लड़कियाँ उसके पाँव छूने लग जाती, तो एक वो लाइन चिपकाता है वहाँ पर विक्की की कि प्यार करने की उम्र में आशीर्वाद देना पड़ रहा है ना। तो एक पार्ट यहाँ पर ये ज़बरदस्त लगेगा कि विक्की अपने लिए एक लड़की ढूंढेगा या फिर एक रोमांटिक लव स्टोरी का एंगल भी लेगी मूवी, फिर उसके बाद एक सोशल मैसेज पर ये मूवी को डाइवर्ट कर दिया जाएगा एट द एंड। फिर वहाँ से जब जो डाइवर्सन आएगा तो हिंदू परिवारों से इसका डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाएगा, अभी तक किसी को पता नहीं था कि ये बंदा मुसलमान है, तो वहां से इसका डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाएगा कि भाई तू मुसलमान है ये वो वगैरह वगैरह, जो हमारे सोसाइटी में होता है ये तुम अच्छे से फील कर सकते हो, क्योंकि हमारे ही सोसाइटी की एक हार्श ट्रूथ है, ये रियलिटी वाली कहानी है। उसके बाद कुछ मुसलमानों को पता लग रहा है, जो 3 स्कूटी में जो पीछे से आ रहे हैं, इस टाइप का एक एक्शन देखा होगा तुमने, तो उनका कहना ये होगा कि तू मुसलमान होके हमारी नाक कटा दी और तो ये उसे मारने के पीछे तुले रहेंगे, है ना कट्टरता। अपने हिंदुओं में भी कट्टरता है, अपने मुसलमानों में भी कट्टरता है, तो कट्टरता दोनों ही तरफ से देखने को मिलती भी है और मिल भी रही है, ये हम अपनी सोसाइटी में खुद फील करते हैं और अपनी आँखों से खुद देखते हैं, तो यही चीज़ मूवी में भी होने वाला है। तो एक टाइप से एक बढ़िया सोशल मैसेज यहाँ से निकलने वाला है, लेकिन ना यहाँ पर जो धर्म के ठेकेदार वो यहाँ पक्का उंगली उठाएंगे, पक्का उठाएंगे, ये मूवी ना एक बार के लिए कंट्रोवर्सी में जरूर जाएगी। बाकी मूवी दमदार होने वाली है, बहुत कुछ ड्रामेटिक वे में फनी भी देखने को मिलेगा और बहुत कुछ रियल लाइफ लेसन भी मिलेगा कि एक बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है कि वो पंडित के घर पैदा हुआ या मुसलमान के घर पैदा हुआ, जैसा उसे माहौल मिला वैसा ही वो ढल गया।
तो अब आप लोगों का क्या कहना है, अगर आप लोगों ने भी इस ट्रेलर को देख लिया तो आपको ये कैसा लगा, और विकी कौशल को दोबारा से फनी कॉमेडी रूप में देखने के लिए आप लोग कितना बेसब्र हैं? तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।